तो नमस्ते दोस्तों, आप सुन चुके हैं ओम जीवन में। दोस्तों ये पंचगव्य का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे मुझे रूपा मगा आंटी जी मुझे तनुष्ठ आंटी जी तो आंटी जी यही हैदराबाद से है। तो आंटी जी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आंटी जी आपको यहाँ पे आना कैसे हुआ और आप ऐसे कहाँ कहाँ आप ऐसे स्पीच देती हैं और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो नमस्ते। तो आंटी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आप ज्यादा एंकरिंग करते होंगे ना? हम ऐसे प्रोग्राम को बहुत इनवाइट करते हैं हमको। हम बहुत प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन ये है, आप कितने साल के हैं? हम 50 इयर्स के। 50 इयर्स के और इतना ज्यादा ग्लो है चेहरे पे। तो आंटी जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका इन सब चीजों में कि ये जो धार्मिक चीजें और मतलब कि ये जितने भी मतलब कि धार्मिक प्रोडक्ट्स हैं आपका इनमें इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट है। ये तो हमारा कल्चर है ना। ये देख के इसमें ही हम पैदा हो के इसमें हम बड़ा हुए है। सो ये हमारा ये DNA है, हमारा कल्चर है, तो बहुत इंटरेस्ट है। और आंटी जी आप मतलब कि हैदराबाद से आप बचपन से ही है तो हम हैदराबाद से बचपन नहीं है तो? हम तमिलनाडु में पैदा होके वहाँ बचपन बड़ा। तमिलनाडु बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। और वहाँ का जो इडली सांभर है बहुत टेस्टी होता है। शादी होने के बाद हम हैदराबाद शिफ्ट हुआ है। ओके, तो आप तमिलनाडु में कहाँ से? मद्रास। मद्रास, ओ मैं उसका उस सिटी का नाम बहुत ज्यादा सुना है। और आप मतलब कि आप गाय के लिए क्या काम? हाँ, हमको गाय बहुत पसंद है, इसलिए कि हम जब गाय को देखते हैं ना बहुत मन को शांति हो जाता है। जब भी हम टेंपल जाते हैं तो गाय को पहले प्रणाम करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। हमारे घर में हमको बोल दिया, बचपन से बोला हुआ था कि हमारा गाय को हम कामधेनु समझते हैं। गाय को गाय का चार नहीं 4 feet बोलते हैं ना, चार क्या बोलते हैं, हाँ वो हमारा धर्म, चार वेदा है। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। जी, जी, जी। ये सब सुना है हम जब बड़ा हो रहे थे, हम हमारा भगवान ईश्वर का बाहर नंदी है। सो ये सब हमारा गाय को हम बहुत पूजा करते हैं ना, इसलिए पहले तो हम भगवान मानते हैं। दूसरा तो हम फार्मिंग कंपनी है, इसलिए फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग कंपनी है। फार्मिंग करना है तो हमको क्या बोलते हैं, गाय बहुत तो चाहिए ना। जी जी जी। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि गाय के अंदर देवी देवता वास करते हैं, तो 33 कोटी देवी देवता वास करते हैं, तो उसके अंदर कितनी चीजें होंगी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम गाय को जब छूते हैं तो कुछ चीज होती है जिनसे हम लोगों को नहीं छूना चाहिए, कुछ चीज होती है जिनसे हमें छूना चाहिए। जैसे कि गाय से जब हम छूते हैं तो हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं खत्म होते हैं, क्या ये बात सही है? हमको तो हमारे बड़े लोग, हमारे घर में बड़े वो भी बोलते थे हमको गाय को जाके पीछे छूना है, आगे भी नहीं पीछे, क्योंकि गाय हमको दूध देता है ना, उसको बहुत सेल्फलेस है, उसके पास वो किसी से कुछ मांगते नहीं, उस वो सबको देता है। इसलिए जाके गाय को जब छूते हैं ना, हमको थोड़ा उससे वो देने के स्वभाव आता है, एनर्जी है, वो मन आता है, हमें शांति आता है। हाँ, और मैंने ज्यादातर ये जगह देखी है कि आजकल मतलब कि बहुत मैं जगह देखी है जहाँ पे गाय ऐसी घूमती है और फिर लोग उनको ले जाके अपने गौशाला में रखते हैं। और आप भी क्या आप मतलब कि मैं कैसे किस तरीके से कहूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप गौ माता को
बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा आप मतलब कि अरे क्या आप गौ माता को ज्यादा आप गौ माता को ज्यादा मानते हैं या फिर किसी नहीं हम सी हम गौ माता को इसलिए मानते हैं कि वो रिलीजन के अलग रख के वो एक अच्छा सा स्वभाव वो उसको सबको दूध देता है यू नो प्रशांतता देता है। जब हम गौशाला जाते हैं ना हमको कुछ प्रशांतता मिलता है इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको आंटी जी के साथ अगर मैं छोटा सा इंटरव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, सब लोगों को आईडी शेयर किया था, सब लोगों को इस इंटरव्यू में पता चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।